जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीडी न्यूज को। आम आदमी अगर शराब पीकर खुलेआम घूमता है तो ये इतनी हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन मसीहा यानी पुलिस कांस्टेबल ऐसा करें तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? ऐसा ही मामला आगरा के थाना डौकी का है, जहां पर डौकी थाने में तैनात सिपाही नशे में होकर रोज कमाने खाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है और उनसे 20-20 रुपए की वसूली कर रहा है, और वसूली ना देने पर पुलिस कांस्टेबल ने ठेले वाले पर राइफल तान दी और खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल कांस्टेबल पहली बार वसूली नहीं कर रहा था, वो रोज़ाना शराब पीकर ठेले वालों से 20 रुपए की अवैध वसूली करता रहता है और वर्दी का रौब दिखाकर बेचारे ठेले वालों को धमकाता रहता है। दरअसल मंगलवार को जब कांस्टेबल शराब पीकर ठेले पर आया और अपनी वसूली लेने के बाद ठेले से उठाकर कुछ खा लिया, और जब उससे ठेले वाले ने पैसों की मांग की तो वो भड़क गया और गाली गलौज कर राइफल को लोड कर तान दिया, जिससे ठेले वाला डर गया और उसका वीडियो वायरल हो गया, जिस पर CO फतेहाबाद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आला अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।